Hello students, today we are going to discuss the numerical part on the topic profit or loss prior and post to incorporation. Last class में मैंने आपको इस topic के कुछ basic concepts बताए थे कि कैसे हम लोग ratio में divide करते हैं अपने expenses को. ठीक है, इस class में मैं आपको बताने जाऊँगी क्या format है, कैसे हम लोग इसको prepare करते हैं, and then उसके बाद विल बी सॉल्विंग वन प्रैक्टिकल क्वेश्चन. तो जो फॉर्मेट होता है फॉर द स्टेटमेंट शोइंग प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट का, वो होता है 5 कॉलम्स में आपको बनाना रहता है. पहला कॉलम होता है आपका पर्टिकुलर्स का, दूसरा है टोटल अमाउंट, तीसरा है बेसिस ऑफ एलोकेशन, फोर्थ इज प्री इनकॉर्पोरेशन एंड फिफ्थ वन इज पोस्ट इनकॉर्पोरेशन. ठीक है, पर्टिकुलर्स में सबसे पहले हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट लिखते हैं. जैसा कि आपको पता है ग्रॉस प्रॉफिट को हम हमेशा डिवाइड करते हैं टर्नओवर के बेसिस पे. ठीक है, टोटल अमाउंट हम यहाँ मेंशन कर देंगे, टर्नओवर के बेसिस पे ग्रॉस प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे. जो अमाउंट प्री में आएगा उसको प्री में लिखेंगे, जो अमाउंट पोस्ट में आएगा उसको पोस्ट में लिखेंगे. ग्रॉस प्रॉफिट के बाद हम लोग एक्सपेंसेस को लेस करते हैं. एक्सपेंसेस चाहे आपके फिक्स्ड हों चाहे वेरिएबल हों, उनका जो बेसिस होता है, उनका जो नेचर होता है, दैट इज़ टाइम बेसिस और टर्नओवर बेसिस, उनके बेसिस पे हम अपने सारे एक्सपेंसेस को जो है एलोकेट करते हैं प्री और पोस्ट में. नेक्स्ट इज जब हम ग्रॉस प्रॉफिट में से एक्सपेंसेस को लेस कर देते हैं तो हमें मिलता है नेट प्रॉफिट. ठीक है, नेट प्रॉफिट हमारा जो भी आता है हम उसको यहाँ लिख देते हैं. अब प्री इनकॉर्पोरेशन और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का प्रॉफिट हमें देखना रहता है, हम कैसे देखेंगे उसको. प्री इनकॉर्पोरेशन में हमारा जो भी ग्रॉस प्रॉफिट रहता है उसमें से हम अपने एक्सपेंसेस को लेस कर देंगे. प्री इनकॉर्पोरेशन के ग्रॉस प्रॉफिट में से जब भी हम अपने प्री इनकॉर्पोरेशन के एक्सपेंसेस को लेस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, नेट प्रॉफिट. और ये नेट प्रॉफिट हम कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, कैपिटल रिजर्व में. उसी तरह से पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में से हम पोस्ट इनकॉर्पोरेशन अमाउंट में से हमको जो नेट प्रॉफिट निकालना होता है वो कैसे निकालते हैं. पोस्ट इनकॉर्पोरेशन के ग्रॉस प्रॉफिट में से पोस्ट इनकॉर्पोरेशन के एक्सपेंसेस को लेस करते हैं और उसके बाद जो हमारा नेट अमाउंट बचता है दैट इज़ द नेट प्रॉफिट, और इसको हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं टू द स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल. ठीक है, तो ध्यान रखिएगा प्री इनकॉर्पोरेशन के नेट प्रॉफिट को हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं कैपिटल रिजर्व में और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन के नेट प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करते हैं स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में. लेट्स स्टडी वन क्वेश्चन. क्वेश्चन इज ए लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 अगस्त 2013 टू परचेज द बिजनेस ऑफ एक्स कंपनी लिमिटेड. यानी ए लिमिटेड कैसे बना, क्योंकि ए लिमिटेड ने एक्स कंपनी लिमिटेड का बिजनेस परचेज किया था. तो यहाँ पे आपको दो डेट्स देखने को मिल रही हैं, एक डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन 1 अगस्त 2013 और दूसरा डेट ऑफ परचेज 1 अप्रैल 2013. ठीक है, ये दोनों डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं. क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हमको प्री इनकॉर्पोरेशन और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का जो पीरियड है वो पता चल जाएगा. ठीक है, देन द क्वेश्चन सेज द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आर अवेलेबल. क्या क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, रेंट एंड टैक्सेस ₹12,000, इंश्योरेंस ₹3,000, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस ₹2,400, सैलरीज ₹36,000, डायरेक्टर फीस ₹4,600, कमीशन ₹6,000, एडवर्टीजमेंट ₹4,000, डिस्काउंट ₹3,500, ऑफिस एक्सपेंसेस ₹7,500, कैरेज ₹3,000, बैंक चार्जेस ₹1,500, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ₹6,500, बैड डेट्स ₹2,000, इंटरेस्ट ऑन लोन ₹3,000. तो आपके सामने आपने देखा अलग अलग तरीके के एक्सपेंसेस आपके सामने मेंशन है. ठीक है, और ये एक्सपेंसेस जो हैं आपको इन एक्सपेंसेस का नेचर देखना पड़ेगा कि ये एक्सपेंसेस आपके फिक्स नेचर के हैं कि ये एक्सपेंसेस आपके वेरिएबल नेचर के हैं. ठीक है, उसके बाद आगे दिया हुआ है टोटल सेल्स फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2014 वर ₹5,00,000. टोटल सेल्स दे दी गई है यानी 1 अप्रैल 2013 टू 31 मार्च 2014 की जो टोटल सेल्स है वो कितनी है, ₹5,00,000 है. ठीक है, जिसमें से 1,50,000 आपकी कब की सेल्स है, फ्रॉम द पीरियड फ्रॉम 1 अप्रैल 2013 टू 1 अगस्त 2013. यानी प्री इनकॉर्पोरेशन की सेल्स दे दी गई है 1,50,000 और रिमेनिंग 3,50,000 आपकी कब की हो जाएगी, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन की. राइट, ग्रॉस प्रॉफिट इज ₹1,55,000. फाइंड आउट द प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन एंड सब्सिक्वेंट टू इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए लिमिटेड. ठीक है, तो आपको प्री इनकॉर्पोरेशन का पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का आपको जो है पीरियड का ऑलरेडी आपको दिया हुआ है. अब इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको जो है एलोकेशन करना है. तो एलोकेशन आपको दो बेसिस पे करना होता है, एक तो टाइम रेशियो के बेसिस पे और दूसरा सेल्स रेशियो के बेसिस पे. ठीक है, देखते हैं कैसे हम लोग निकालेंगे इसको.
Pre-incorporation period आपका कब से? 1st अप्रैल 2013 टू 1st अगस्त 2013, 4 months, ये आप नोट्स में देख रहे होंगे। दूसरा आपका पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड कब से? 1st अगस्त 2013 टू 31st मार्च 2014। तो प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड आपका 4 months का है और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड आपका 8 months का है, ठीक है। अब आपको इसका रेशियो निकालना होगा, तो रेशियो क्या हो जाएगा? 4:8। तो 4:8 का मतलब 1:2 हो गया। इसी तरह आप सेल्स रेशियो निकालेंगे, सेल्स रेशियो है आपका प्रायर पीरियड का आपका सेल्स दिया हुआ है 1,50,000 और पोस्ट पीरियड का सेल्स दिया हुआ है 3,50,000। ये ऑलरेडी आपके क्वेश्चन में गिवन है। तो सेल्स रेशियो क्या हो जाएगा? 1,50,000:3,50,000 और 3:7 का रेशियो निकलेगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होगा सबको। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग को अपने एक्सपेंसेस को कैसे एलोकेट करना है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट की, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट हमेशा हम लोग किस बेसिस पे निकालते हैं? टर्नओवर के बेसिस पे इसको एलोकेट करेंगे। टर्नओवर का रेशियो हमने क्या निकाला है? 3:7। तो 1,55,000 ये आपकी टोटल ग्रॉस प्रॉफिट दी हुई है, इसको हम टोटल अमाउंट के कॉलम में मेंशन करेंगे और उसको फिर हम एलोकेट करेंगे प्री इनकॉर्पोरेशन और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में। कैसे एलोकेट करेंगे? रेशियो के बेसिस पे। कैसे निकालेंगे? 1,55,000 × 3/10, क्या अमाउंट आएगा? 46,500, ये आपका प्री इनकॉर्पोरेशन में आप लिख देंगे। सिमिलरली 1,55,000 × 7/10 आएगा 1,08,500 या पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में लिख देंगे, ठीक है। तो ये आपका प्री का ग्रॉस प्रॉफिट हो गया 46,500 और पोस्ट का हो गया 1,08,500। ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के बाद हम लोग एक्सपेंसेस को डिडक्ट करते हैं। तो लेट्स डिडक्ट द एक्सपेंसेस वन बाय वन। पहला एक्सपेंस आपका दिया हुआ है रेंट एंड टैक्स, ये फिक्स नेचर का एक्सपेंस है। इसको किस रेशियो पे डिवाइड करेंगे हम लोग? 1:2 के रेशियो पे। तो 12,000 × 1/3 यानी 4,000, ये आपके प्री में आ जाएगा और 12,000 × 2/3 8,000 रुपीज़, ये आपके पोस्ट में आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह इंश्योरेंस, इंश्योरेंस का अमाउंट दिया हुआ है 3,000, इंश्योरेंस भी आपका फिक्स नेचर का एक्सपेंस है। इसको आप किस रेशियो में डिवाइड करेंगे? टाइम के भी रेशियो में डिवाइड करेंगे। तो 3,000 × 1/3 1,000 और 3,000 × 2/3 यानी 2,000, ये आप पोस्ट में लिख देंगे। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कितना दिया हुआ है? 2,400 रुपीज़, ये भी आपका फिक्स नेचर का एक्सपेंस है। इसको भी आप 1:2 के रेशियो में डिवाइड करेंगे। सैलरीज 36,000 रुपीज़, ये भी आपका फिक्स नेचर का एक्सपेंस है। इसको भी आप 1:2 के रेशियो में डिवाइड करेंगे, ठीक है। और जो अमाउंट आएगा वो रिस्पेक्टिव कॉलम्स में आप लिखते चले जाएंगे। नेक्स्ट आ रहा है आपका डायरेक्टर फीस। डायरेक्टर फीस है 4,600, ठीक है। ये इसको हम लोग कोई एलोकेशन नहीं करते हैं, फुली चार्ज होता है पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में। तो 4,600 आप लिख देंगे। देन कम्स कमीशन। कमीशन आपका जो है सेल्स के रेशियो में एलोकेट होता है, ठीक है। तो 6,000 को आप 3:7 के रेशियो में एलोकेट करेंगे, तो 1,800 आएगा आपका प्री में और 4,200 आएगा आपका पोस्ट में। उसके बाद आता है एडवर्टीजमेंट हो गया, फिर उसके बाद आता है आपका डिस्काउंट। डिस्काउंट भी जो है आपका सेल्स के रेशियो में ही जाएगा, दैट इज 3:7। एडवर्टीजमेंट भी सेल्स के रेशियो में जाएगा 3:7, ठीक है। ऑफिस एक्सपेंस आपका फिक्स नेचर का एक्सपेंस है, ये 1:2 के रेशियो में आप इसको एलोकेट करेंगे प्री और पोस्ट में। तो 7,500 × 1/3 दैट इज 2,500, ये प्री में आपने लिख दिया। एंड 7,500 × 2/3 दैट इज 5,000, ये आपने पोस्ट में लिख दिया। देन कम्स कैरेज। कैरेज जो है आपका सेल्स के रेशियो में डिवाइड होता है, इसको आप सेल्स रेशियो में लिखेंगे। देन बैंक चार्जेस, ये फिक्स नेचर का एक्सपेंस है, टाइम रेशियो में आप इसको एलोकेट कीजिए। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये पूरा चार्ज होता है पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में। तो फुल अमाउंट विल बी चार्ज टू पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड, दैट इज 6,500। देन कम बैड डेट। बैड डेट्स जो है आपका सेल्स रेशियो में एलोकेट होता है, 3:7 के रेशियो में 2,000 को आप एलोकेट करेंगे। एंड लास्ट इज इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन आपका फिक्स नेचर का है, इसको आप 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर दीजिए। इतना करने के बाद आप अब क्या करेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट, टोटल अमाउंट में जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट ये दिया हुआ है, इसमें से ये सारे एक्सपेंसेस को आप लेस कर देंगे तो आपका आ जाएगा नेट प्रॉफिट, ठीक है। अब हमको देखना है प्री इनकॉर्पोरेशन में कितना प्रॉफिट हुआ है और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में कितना नेट प्रॉफिट हुआ है। तो प्री इनकॉर्पोरेशन का नेट प्रॉफिट देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे?
प्री इनकॉर्पोरेशन का जो ग्रॉस प्रॉफिट है उसमें से प्री इनकॉर्पोरेशन के सारे एक्सपेंसेस को डिडक्ट कर देंगे तो हमारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा प्री इनकॉर्पोरेशन का, और इस प्रॉफिट को हम कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, कैपिटल रिजर्व में, ठीक है। सिमिलरली पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का प्रॉफिट भी हम लोग देखेंगे कैसे। पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट आया है 1,08,500, उसमें से हम सारे एक्सपेंसेस को लेस कर देंगे पोस्ट इनकॉर्पोरेशन के, तो हमारा जो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का प्रॉफिट आएगा वो आया 40,850 रुपीज़, और इसको हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। अब आपको मैंने एक क्वेश्चन दिया है प्रैक्टिस के लिए। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है क्योंकि इसमें कोई भी एक्सपेंस नहीं दिया है, सीधे सीधे इस क्वेश्चन में आपको जो है नेट प्रॉफिट दे दिया गया, और आपको इसमें बताना है कि प्री इनकॉर्पोरेशन और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का प्रॉफिट कितना आप जो है निकालेंगे, ठीक है। अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा एंड आई विल बी टेलिंग यू कि व्हाट आंसर वुड बी कमिंग अप। स्टडी हार्ड, थैंक यू।